मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि अलकायदा पर मदरसे में चल रही आतंकी गतिविधियों पर कार्रवाई की जाएगी। आतंकी गतिविधि में शामिल जो दूसरे मदरसे हैं वो भी इसकी चपेट में आएंगे, वहां पर भी एक्शन लिया जाएगा, कहना है हेमंत बिस्वा सरमा का। तो असम के बारपेटा से बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें असम में लगातार आतंकियों के गिरफ्तार किए जाने का सिलसिला जारी है। अलकायदा की कई गतिविधियां यहां पर पाई गई थी और अब अलकायदा से जुड़े दो और आतंकियों के पकड़े जाने की बात कही जा रही है। We have today morning evicted Dehalpara Madrasa in Barpeta district. The primary reason was that from that madrasa, no academic activity was primarily running. That madrasa was used for training of Al-Qaeda, training camp of Al-Qaeda. Apart from that, that madrasa was constructed unauthorizedly. So in the morning, we have evicted that madrasa. This is the second madrasa we have evicted. देखिए हमारा कोई मॉडल नहीं है। अगर कोई अनऑथराइज एविक्शन होगा, अनऑथराइज हस्ताक्षर होगा, उनको हटाने का मशीन का नाम है बुलडोजर। तो हेमंत बिस्वा सरमा को आप सुन रहे थे, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मदरसे में चल रही थी आतंकी गतिविधियां, ये मुख्यमंत्री की तरफ से बताया गया है। अलकायदा पर यह बयान हेमंत बिस्वा सरमा का, मदरसे में चल रही थी आतंकी गतिविधियां, आतंकी गतिविधियों में शामिल दूसरे मदरसे पर भी एक्शन लिया गया है। निबिडे का मेरे सहयोगी और जानकारी देंगे। दूसरा मदरसे है जिस पर सरकार की तरफ से निबिड एक्शन लिया गया है, ऐसे में और भी ऐसे मदरसों को चुनना होगा जहां पर इस तरह की गतिविधियां पाई जाती हैं, क्योंकि कार्रवाई बेहद जरूरी है। निबिड के अपडेट और जी हाँ, ये दूसरा मदरसा है जो अभी तक जो है एविक्ट किया गया है। 6 टेरर मॉड्यूल बर्स्ट हुआ था और उनमें से ये सेकेंड मदरसा है। पहले हमने देखा था कि जो मदरसा के प्रधान शिक्षक थे मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में, उनको अरेस्ट किया गया था जिहादी एक्टिविटीज कैरी करने के लिए। और ये दूसरी मदरसा जो है बरपेटा डिस्ट्रिक्ट, जिसको आज एविक किया गया है, अकबर अली और अब्दुल कलाम आजाद, ये जो दो थे ये मदरसा को उन्होंने स्थापित किया था और इसी मदरसे में इन्होंने जो है जिहाद का प्रचार कर रहे थे। और दूसरी बात यह है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये कि लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहे थे अंसर अल बांग्ला का जो एक्टिविटीज है, अलकायदा का जो एक्टिविटीज है, उनको कैरी आउट करने के लिए। सो एक सेंटर बन के रह गया था ये मदरसा जहां से ये ऑपरेशन चल रहा था, और उसी की वजह से जो इस मदरसे को एविक किया गया है। और अभी देखा जा रहा है कि जो असम गवर्नमेंट है वो बात कर रहे हैं ये प्राइवेट मदरसा ओनर के साथ, ताकि एक रेगुलेट कर सके इन मदरसा को। ठीक है, तो सरकार की नजर बनी हुई है। अभी हमने सुना मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी नजर लगातार बनी हुई है।